हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है लॉयर और एडवोकेट के बीच का अंतर क्या होता है? एक लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई और ट्रेनिंग प्राप्त की होती है। लॉयर शब्द एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है जो कि किसी कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है। एडवोकेट का शब्द उपयोग यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया जाता है, वहां उन्हें केवल लॉयर कहा जाता है। लेकिन एडवोकेट शब्द का उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम्स और अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में किया जाता है। एडवोकेट का काम अदालत में अपने ग्राहक का प्रतिनिधित्व करना, अपने ग्राहक का पक्ष रखना होता है, और लॉयर का काम होता है कानूनी सलाह देना, किसी मामले में जनहित याचिका दाखिल करना होता है, और इनकी भूमिका लॉयर के प्रकार के अनुसार बदल भी सकती है। एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। एडवोकेट लॉयर से एक कदम आगे का पद होता है। एक एडवोकेट के काम का दायरा लॉयर से बड़ा होता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।